एवरीवन वेलकम टू चैनल द नॉलेज स्कूप। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं आर्ट्स फैकल्टी कला संकाय का। आप वीडियो पूरा ढक गया है, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी रहती है बीएचयू में, तो इसलिए बोर्ड थोड़ा ढक गया है। साफ सफाई चल रही है अभी। सुबह के कितने बजे होंगे, टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहा होगा? नहीं, अभी 7 से कम हो रहा है। 7 बजने वाला है और यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही है। 6:30 बजा है और दरअसल गेट बंद होने की वजह से हमको यहाँ से जाना होगा अंदर, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कूद जाऊँ। सॉरी थोड़ा सा। तो ये है, जैसे आप गेट से एंटर करेंगे ये है कुछ ऐसा। कैसा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ एक्सप्लोर करो। अगर आप एडमिशन ले रहे हो, कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है, तो उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कितनी बड़ी फैकल्टी है, कैसी है और क्लासेस कैसे चलते हैं। आपको लॉकडाउन में क्लासेस का तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं। जैसे सोशल साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी की दोनों एक ब्लॉग वीडियो है ये, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आर्ट ऑडिटोरियम है ये, आर्ट्स फैकल्टी का ऑडिटोरियम। और कोई भी फंक्शन, सांस्कृति और काफ़ी ऐसी टाइप की चीज़ें फंक्शन यहाँ पे चलता है। और ये जो सजावट ऊपर आप देख रहे होंगे वो उसी चीज़ की है, और वो LT है, प्रेमचंद सभागार। उसमें काफ़ी क्लासेस चलते हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस चलते हैं। ये रियल मतलब आर्ट्स फैकल्टी ही है। यहाँ पे सोशल साइंस फैकल्टी की क्लासेस इसमें नहीं चलती हैं, लेकिन सोशल साइंस फैकल्टी ये रहा आपका। आप ये बिल्डिंग ऑडिटोरियम आर्ट्स का है, वो थिएटर आर्ट्स का है LT। और ये जो ये यहाँ पे बनाया गया ये बिल्डिंग, ये सोशल साइंस फैकल्टी है। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि सोशल साइंस और आर्ट्स फैकल्टी दोनों अगल बगल आमने सामने हैं। तो यहाँ पे ये आपको अभिनय भवन दिख रहा होगा, लाइब्रेरी टाइप की है अपनी। तो आप, वो रहा आपका एंट्रेंस। आप वहाँ से घुसेंगे, आपको एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उसके बगल में ऑडिटोरियम मिलेगा और उसके बगल में अभिनव भवन मिलेगा। अभिनव भवन में किताबें उताबें रखी रहती हैं, पासबुक दिखा के किताबें मिलती हैं अपनी, ID दिखा करके। तो अब हम घुसते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। काफ़ी रोमांचक, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम खूबसूरत। कोई जैसे लगता है कि कोई राजा महाराजाओं का महल बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये है रैंप, क्लासेस बने हुए हैं ये, जितने भी ये गली में आपको रैंप गैलरी में क्लासेस दिख रहे होंगे, पूरे क्लासेस और डिपार्टमेंट हैं। और आर्ट्स फैकल्टी के ज़्यादातर डिपार्टमेंट इसके ही अंदर बने हुए हैं, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के सारे डिपार्टमेंट्स अंदर ही हैं, सबको अंदर ही जगह दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा आगे आर्ट्स फैकल्टी है और यहाँ पे सोशल साइंस फैकल्टी, दोनों आमने सामने। मेन मैं बीच में खड़ा होकर के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा आर्ट्स फैकल्टी, काफी शानदार। काफी बड़ा और काफी शानदार, मतलब ये जो पूरा सामने आपके दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे इधर पूरी क्लासेस चलती हैं और फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट ये नीचे उधर और इधर हैं। और अपना ऑफिस, डीन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब जो आपको वहाँ पे चाहिए कि ऑफिस में हमको ये एडमिट कार्ड चाहिए तो मेरा काउंसलिंग कहाँ होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको एकदम ऊपर वहाँ पे, वो जो दो खिड़कियाँ दिख रही ना बंद, वो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके जस्ट बगल में डीन ऑफिस है। तो ये है आर्ट्स फैकल्टी। मैं थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलता हूँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ ज़्यादा उतना काफ़ी खास है, बहुत ज़्यादा खास है। आप एक बार देखिए, कोई है नहीं लॉकडाउन में। मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि नहीं, हाँ कैसा है आर्ट्स फैकल्टी लॉकडाउन में। तो ये रहा आपका कला संग्रह, डॉक्टर S राधाकृष्णन हॉल, बहुत बड़ा हॉल है,
आप अगर एडमिशन लेने आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे और काउंसलिंग, आर्ट्स फैकल्टी ऑफ काउंसलिंग हेल्प डेस्क, काफ़ी पुरानी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब एकदम पुरानी, आप देख सकते हो, एवरीथिंग इज़ ओल्ड, एवरीथिंग इज़ एंटीक, मतलब पुरानी पुरानी मालवी जी के ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब इवन ये फर्नीचर जो है, ये फर्नीचर भी मतलब 90s, काफ़ी पुराना बना हुआ है, 100 साल पहले का बना हुआ है, हिल भी रहा है, तो आप ऐसे जज ना करें। अब मैंने आपको बोला था कि हाँ डिपार्टमेंट्स आप ध्यान दे सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तेलुगु डिपार्टमेंट हैं, ये इंडियन लैंग्वेज, नेपाली, तमिल, कन्नड़, उड़िया, ये ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट्स नीचे ही दिए हुए हैं। मतलब आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आर्ट्स फैकल्टी के बिल्डिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं। आप एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, वाईफाई लगी हुई है, पूरा कैंपस, पूरा ये कैंपस वाईफाई है, आप कहीं भी खड़े होकर के BHU वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, और BHU ऑनलाइन, BHU सिक्योर, काफ़ी सारे वो हैं। बात करें अगर आर्ट्स फैकल्टी के मेन इंट्रेंस की, तो लोग बोलते हैं दो इंट्रेंस है, दो इंट्रेंस कैसे है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक इंट्रेंस आपका ये रहा पीछे जो आपको दिखाया, जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया, और अभिनव भवन जिधर दिखा रहा था उधर ये रास्ता जाता है, काफ़ी बड़ा है, मतलब आप खो भी सकते हो, और ये आप निकले बाहर, साफ़ सफाई पूरी की जाती है, लॉकडाउन में भी लोग साफ़ करने आते हैं, सफाई कर्मी, और BHU हर जगह से क्लीन एंड फेयर दिखता है, आपको दिख ही रहा होगा, एवरीवेयर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, नाउ लुक, और पीछे ले जाऊँगा, सुबह सुबह का टाइम है, अभी उसने बोला ना 6 बजे, 6:30 बजने वाले हैं, तो ये रहा आपका आर्ट फैकल्टी, वो अभिनव भवन, वो छोटा सा, मतलब यहाँ से छोटा सा दिख रहा है, साइकिल स्टैंड खड़ा करने के लिए ये, और ये भी, ये किस लिए है, आई थिंक लोग बैठते हैं इस पर, और ये रहा आपका आर्ट फैकल्टी, आप देख सकते हो, आर्ट्स फैकल्टी से रिलेटेड सारे एंट्रेंस पेपर जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या चाहिए आर्ट्स फैकल्टी से रिलेटेड, आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, और बस यही था आज का मेरा एक ही मेन उद्देश्य, यही था, मतलब मेन एम यही था इस वीडियो बनाने का, कि लॉकडाउन में कैसा दिखता है BHU और कैसा दिखता है ये आर्ट्स फैकल्टी। ये उन सभी लोग के लिए है जो आर्ट्स फैकल्टी BHU का एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट में काफ़ी मतलब ऊपर ऊपर दिखा दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते, आप बस